मेरा नाम प्रसाद है और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एक सरल जेसीबी ट्रक कैसे काम करता है और उसका एक फिजिकल मॉडल बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमको एक लकड़ी का बोर्ड चाहिए, कुछ लिपिन पट्टी चाहिए, पुरानी सिरिंज और सलाइन ट्यूब, इसके साथ कुछ स्क्रू भी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इनके मूवमेंट्स दिखाऊंगा। अभी देखिए, पहला मूवमेंट है बाएं दाएं का। मैं सिरिंज को अंदर घुसाता हूँ या बाहर खींचता हूँ, उससे ये पूरी जिप बाएं दाएं जाती है। अब हम दूसरे मूवमेंट को देखेंगे, जो ये छोटी जिप का आर्म है, ये ऊपर नीचे होता है सिरिंज को आगे पीछे करने से। तीसरा मूवमेंट क्या है, ये है बकेट का। ये बिल्कुल हमारी हथेली जैसा है कि हथेली को हम कर्ल करते हैं। और ये अंत में चौथा मूवमेंट ये बड़ी जिप का है, जो बड़ा आर्म है वो एकदम जिप को नीचे ले जाता है या ऊपर लाता है। अभी देखिए, यहाँ पर दो सिरिंज हैं जिनको हमने सलाइन ट्यूब से जोड़ा है, इनके बीच में रंगीन पानी है। अब जैसे मैं एक सिरिंज के पिस्टन को अंदर घुसाता हूँ, दूसरा पिस्टन बाहर आ जाता है, यानी कि हम हाइड्रोलिक प्रेशर ट्रांसमिट कर सकते हैं इस तरह से बहुत आसानी से। इसको बनाने के अंदर 8 सिरिंज लगी हैं और ये जेसीबी तमाम तरह के मूवमेंट्स अंजाम दे सकता है। और असली जिंदगी में आपको मालूम ही होगा कि जेसीबी द्वारा हम ट्रेंच खोदते हैं, खाइयाँ खोदते हैं, गड्ढे खोदते हैं, और उसकी मदद से हम बहुत सारा मलबा ट्रकों के अंदर लोड करते हैं। तो इन जेसीबीज का वर्तमान युग में बहुत बड़ा रोल है। इस छोटे से सरल से मॉडल से, जिसके अंदर पुरानी सिरिंज, सलाइन ट्यूब, लकड़ी की लिपिन पट्टियाँ और बोर्ड से, हम एक बहुत ही सुंदर वर्किंग मॉडल जेसीबी ट्रक का बना सकते हैं।